द हैप्पी मील। एक समय की बात है, दो अच्छे दोस्त थे, सारस और लोमड़ी। वे नदी किनारे घूमते थे और घंटों बातें करते थे। एक दिन लोमड़ी नदी के किनारे पहुंची और बोली, भाई क्या तुम मेरे घर खाना खाने आओगे? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। सारस ने खुशी खुशी उसके निमंत्रण को स्वीकार किया। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर गया। लोमड़ी ने उसका स्वागत किया और बोली, बैठो बैठो, सूप तैयार है, मैं तुम्हें परोसती हूँ। लोमड़ी तुरंत सूप को पीने लगी, लेकिन सारस की लंबी चोंच के कारण वह सूप को चख भी नहीं सका। बिना कुछ कहे सारस भूखा और निराश होकर वापस घर चला गया। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित किया। उसने लोमड़ी के पसंदीदा खाने को लंबे और पतले बर्तन में परोसा। सारस की लंबी चोंच के कारण वह खाना आसानी से खा सका, लेकिन लोमड़ी का मुंह बर्तन में जा ही नहीं पाया। सारस को खाते देखकर लोमड़ी ने उसे गुस्से में पूछा, मेरे विशाल मुंह के साथ मैं इस लंबे बर्तन में कैसे खा सकती हूँ? सारस ने मुस्कुरा के कहा कि जब वह लोमड़ी के घर गया था तब उसकी लंबी चोंच के कारण वह बड़े बर्तन में खाना नहीं खा सका था। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सारस से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसने सारस के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार सारस ने लोमड़ी को एक छोटे बर्तन में खाना दिया और उसने लंबे बर्तन में खाना खाया। इस तरह दोनों दोस्तों ने मिलकर आनंदपूर्वक भोजन करते हुए खुशी खुशी वक्त बिताया।